Good morning, friends. Once again, I am here on Shishir Sir classes. Welcome. And today I am going to teach you something different. Today I am going to teach you some pronunciation pattern. You cannot ignore, you cannot deny that pronunciation is very important in our daily life. If we are speaking English, if we want to speak good English, pronunciation plays a very vital role. So, if your sound is correct, if your pronunciation is good, you can make other people who are listening to you very clearly. They can understand whatever you are saying. So today I am going to teach you some pronunciation pattern. Through some pattern you can learn very easily. For example, learn pronunciation patterns. Learn pronunciation patterns. I have written some words and generally I have found that these are the words which are generally not pronounced correctly. So we will learn some vocabulary also, we will learn some meaning also, some new words. So let's see what is the pattern. Generally the words which ends in C-I-O-U-S, words ending with C-I-O-U-S. For example, this is delicious, delicious. स्वादिष्ट चीजों को हम कहते हैं delicious. अब देखिए, generally what happens, we pronounce it delicious. हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? Delicious. ये जो शियस है यही गलत है, delicious नहीं है, delicious. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज precious. precious बहुमूल्य को हम कहते हैं precious. अब फिर आप कहोगे precious. जनरली आई हैव सीन पीपल प्रोनाउंसिंग इट precious, नहीं precious. precious, रिपीट विद मी, precious. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज capricious. capricious सडन चेंज बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन, जैसे सनकी होते हैं, झक्की टाइप के लोग होते हैं, अचानक से कुछ अलग से व्यवहार करने लगते हैं, तो हम उसको कहते हैं capricious. capricious, capricious, सनकी या झक्की व्यक्ति को कहते हैं. दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स. द नेक्स्ट वर्ड इज ferocious. ferocious, देखिए इसको ferocious कहने लगते हैं लोग, फी एफ ई से फी कह देते हैं, ferocious, खूंखार. कोई जानवर होता है बहुत ही खूंखार होता है, खतरनाक होता है, तो हम उसको कहते हैं ferocious. ferocious, खूंखार जानवर. देन द नेक्स्ट वर्ड इज judicious. judicious, judicious, कोई भी डिसीजन होता है जो बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक लिया जाता है, सेंसिबल डिसीजन लिया जाता है, उसको हम कहते हैं judicious. द नेक्स्ट वर्ड इज tenacious. देखिए इसको मैंने कई बार देखा है, tenacious कहते हैं लोग, टी टी तो है ही नहीं, tenacious नहीं है, tenacious. tenacious, tenacious उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ही दृढ़ होता है, हु इज रिजोल्यूट. एक बार इफ ही डिटरमिन्स, इफ वंस इफ ही डिसाइड्स टू डू समथिंग, ही विल डू इट. तो tenacious, tenacious. देन द नेक्स्ट वर्ड इज voracious. voracious, voracious नहीं, ध्यान दीजिएगा, voracious. voracious, वह व्यक्ति जो बहुत ही पेटू होता है, कोई खाने को मिला तो उस पर टूट पड़ता है, ध्यान दीजिए ये voracious नहीं है, voracious. voracious, भुखड़ व्यक्ति को कहते हैं. देन वी कम टू नेक्स्ट वर्ड audacious. audacious, आप देख रहे हो कि अंत में सी आई ओ यू एस आ रहा है, तो हम उसे शस प्रोनाउंस कर रहे हैं. एक बार फिर मैं बोल लू, शस, ये शियस नहीं है, audacious, जो निर्भीक होता है, निडर होता है, उसको हम कहते हैं audacious. इसी तरह से अगला वर्ड है suspicious. suspicious, suspicious, जब आप संदेह करते हो, शक करते हो, तो उसको कहते हैं suspicious. देन द लास्ट वर्ड इज auspicious. auspicious, कोई शुभ मुहूर्त होता है, एक्चुअली वी थिंक दैट दिस थिंग इज गोइंग टू बी वेरी लाइकली टू हैपन, दिस थिंग इज गोइंग टू बी गुड फॉर अस इन फ्यूचर, देन वी कॉल इट auspicious मोमेंट. शादी ब्याह होती है तो हम कहते हैं
वी इनवाइट यू ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेशन। तो यहां पे ऑस्पिशियस मत कहिए, ऑस्पिशियस कहिए। जनरली हम इन तमाम शब्दों को शियस करके प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर आपने एक पैटर्न फॉलो किया, देखा कि जो वर्ड्स अंत में सी आई ओ यू एस से अंत हो रहे हैं, तो उनका प्रोनाउंसिएशन इन फ्यूचर यू हैव टू डू इन दिस वे ओनली। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड, यू मस्ट हैव लर्न समथिंग। फॉर सच मोर वीडियोज सब्सक्राइब शिशिर सर क्लासेस। सी यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।